जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि आज मैंने 7 महीने बाद अपने लिए चाय बनाई एक, लेकिन इसको मना करना मुश्किल है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग, नया दिन नया ब्लॉग। सुबह के 9:35 हो रहे हैं, उठ मैं 6:30 पे गई थी क्योंकि मैं अपना अलार्म बंद करना कल भूल गई थी और 7 दिन की आदत हो चुकी थी सुबह उठने की, तो मेरी नींद खुल गई थी लेकिन मैं उठी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही थी तो उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फाइनली मैंने उठ के ब्रश वगैरह कर लिया है। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी बारिश कंटिन्यूस है। कल मैं यहाँ पे मैंने अपना कैमरा रखा था जो सब कुछ शूट करी थी क्योंकि कल ये ड्राई थी, लेकिन अभी बारिश इस साइड की हो रही है तो पूरी भीग चुकी है। तो मैं छत पर आई थी देखने के लिए कि ऊपर कैसा सीन है, लेकिन अभी मैं बाहर निकल के बैठ नहीं सकती क्योंकि सब कुछ भीगा हुआ है। एंड कल मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द हुआ, उसके अलावा अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ, टच वुड। एंड मैंने कॉम भी नहीं किया है, मैं वैसे के वैसे मैंने बाल सुखाए हैं और मैं सो गई कल, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर अभी चलते हैं, मैं अपना ल्यूकवॉर्म वाटर लेती हूँ, उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो आज सिर्फ ल्यूकवॉर्म वाटर पीना पड़ेगा क्योंकि घर में लेमन नहीं है। तो आज नाश्ते में है पोहा और मैंने सोचा इसके साथ अनुपमा एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर अभी पता चला कि आज संडे है और कल सैटरडे था तो आज अनुपमा नहीं आएगा टेलीकास्ट। हम हॉटस्टार VIP पे देखते हैं तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा देखने का मिल जाता, लेकिन आज नहीं आने वाला है। तो कल मैं हाईवे देख रही थी और हाईवे मैंने आधी ही देखी थी, पूरी कंप्लीट नहीं की थी, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के साथ उसे कंप्लीट करूंगी। एंड मैंने जस्ट अभी हाईवे खत्म किए, काफी बढ़िया मूवी देख के मजा आया और अब मुझे अपना आलस साइड में रख के काम स्टार्ट करना पड़ेगा। कल का ऐसा एक पहला दिन था जिस दिन मैंने किचन में कुछ भी नहीं बनाया। लाइक मम्मी ने सुबह कचौरियां बनाई थी, वो हमने लंच में और ब्रेकफास्ट में ली थी, फिर भाई ने शाम को पास्ता बना दिया तो वो मेरा डिनर हो गया था। तो मुझे मैंने सिर्फ अपनी कॉफी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था कल। और कल रात को मैंने पहली बार इतने टाइम में डिशेज भी नहीं क्लीन की थी क्योंकि कल मैं थोड़ा थक गई थी क्योंकि मैं बारिश में भीगी थी, पैर में थोड़ा सा दर्द था और फिर मुझे एडिट वगैरह भी करना था, तो इसलिए मैंने कल डिशेज छोड़ दी थी। तो अभी मुझे डिशेज भी करना है और घर का बाकी काम भी करना है। तो अभी मौसम इतना ज़्यादा क्लमजी हो रहा है कि अगर मैं बेड पे रही तो फिर मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, इसलिए मैं सोचूँ एक फ्लो में सारा काम मैं ख़त्म कर दूँ और उसके बाद फिर मैं आराम से इत्मीनान से बैठ सकती हूँ। सो मुझे मेरी कॉफ़ी भी लेनी है, लेकिन मैं कॉफ़ी अपने आप को ट्रीट करूंगी, मैंने ये दिमाग में बना लिया, तब भी मैं काम अच्छे से कर पाऊंगी कि जैसे ही मैं काम फिनिश करूंगी उसके बाद मैं इत्मीनान से अपनी कॉफ़ी पीऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल से मेरे सारे कपड़ों में काफ़ी अच्छी हवा लग चुकी है और ये अच्छे से सूख गए हैं, तो अब इन्हें अंदर ले चलते हैं। That means it's time for my coffee. See, I stick to my thing. सारा काम खत्म करने के बाद I'm having my treat, my black coffee. So in today's lunch we are having roti and bharma shimla mirch और इसमें ग्रेवी, ये ग्रेवी के साथ है।
तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि किसी को ड्राई पसंद है, किसी को ग्रेवी के साथ, तो यहाँ पे मैंने एक लिए ग्रेवी के साथ और एक ही ड्राई। अभी सुबह शाम तुम यहाँ बैठे थे तो मैं व्लॉग कैसे करूँगी? यहाँ तुम कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हो, तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। हेलो, जो अभी देखा कुछ अलग लगा। अब लोग कहेंगे इसमें क्या अलग लगना था, मैंने चाय बनाई, ठीक है। अब इसमें भी क्या अलग लगना था, मैंने अपने लिए चाय बनाई। अब अलग लगा, जो लोग जानते हैं उनको डेफिनेटली लगा होगा, और जो लोग नहीं जानते मेरे व्लॉग्स देखा करो, आपको पता चल जाएगा कि इतना अलग क्यों है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ कि आज मैंने 7 महीने बाद अपने लिए चाय बनाई। एक समय था जब चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती थी, दिन में 3-3, 4-4 चाय पीना मेरे लिए नॉर्मल था, और कई बार मैंने चाय छोड़ने की कोशिश भी की क्योंकि बहुत ज्यादा एडिक्शन होने लगा था, हेडेक वगैरह होने लगता था। अगर मैं चाय ना पीऊं, कहीं निकल जाऊं बिना चाय पिए तो मेरा दिन पूरा खराब हो जाता था। जो चाय से एडिक्टेड है वो इस बारे में डेफिनेटली जानते होंगे और मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन इसी ईयर स्टार्टिंग में मेरा रूट कैनाल हुआ और उसके बाद मैंने चाय छोड़ दी। एंड मैं अपने आप को लेकर सरप्राइज हूं, मैंने इन 7 महीनों में कई बार चाय बनाई भी, कई बार चाय बनते हुए भी देखी, लेकिन मैंने 7 महीनों में चाय एक बार भी टेस्ट नहीं की है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। एक टाइम था जब मैं चाय के बिना रह नहीं पाती थी और 7 महीने मैंने चाय को टेस्ट तक नहीं किया है। लेकिन कुछ दिनों से मैं एकदम अदरक इलायची वाली चाय को क्रेव कर रही थी और इसीलिए आज मैंने अपने लिए चाय बनाई है। कल पूरा दिन खाना ना खाने की वजह से आज पेट थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था और मैंने काफी सारे मेथड्स अपना लिए लेकिन मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया। देन मुझे क्लिक हुआ कि कोई चीज वर्क करे ना करे, चाय इसके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। एंड मौसम भी काफी ज्यादा रेनी है 3 दिन से, सो रेनी सीजन एंड टी इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो आज मैं प्रॉपर 7 महीने बाद चाय टेस्ट करने वाली हूँ एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। इसमें शुगर नहीं है लेकिन इसमें अदरक इलायची बहुत अच्छे से है। लेट्स टेस्ट दिस। ऑल दी चाय लवर्स हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में बताओ आपका चाय के साथ रिलेशन क्या है। एंड मैं वापस से इससे एडिक्टेड नहीं होना चाहती हूँ लेकिन इसको मना करना मुश्किल है। ये शॉट लेने के चक्कर में मेरा कैमरा और मेरा पावर बैंक दोनों ही भीग गया। मैं आई तो छत पे वॉक करने के लिए थी कि चाय के साथ मौसम इंजॉय करूंगी, वॉक लूंगी, लेकिन इट्स स्टिल रेनिंग और वही रिमझिम 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 वाली बारिश हो रही है। ये ना बाहर निकलने दे रही है ना घर पे रहने दे रही है, तो अभी अंदर ही रह के चाय एंजॉय करनी पड़ेगी। लुक एट, मैं अंदर खड़ी हुई हूँ और उसके बाद भी ये बारिश पूरी अंदर, मतलब मैं अंदर भी ना खड़ी हूँ अपने घर में अभी। ओके, तो आज दिन में मैंने, ये किसके घर काम चल रहा है यार, बारिश में भी चैन नहीं है क्या? ओके, सो आज मैंने दिन, तो
तो आज दिन में मैंने दिल चाहता है मूवी देखी एंड आई लव दैट मूवी. 90s किड प्लीज कमेंट मत करना कि मैंने अभी तक दिल चाहता है नहीं देखी हुई थी. मैंने देखी हुई थी दिल चाहता है टीवी पे जब आती थी, लेकिन बहुत पहले, और वो बहुत पुरानी भी मूवी है. तो लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन उसकी एल्बम क्या बढ़िया गाने हैं उसमें. एंड मुझे नहीं पता था कि वो जो सॉन्ग नहीं है उसमें, जब अक्षय खन्ना पेंटिंग बना रहा होता, क्या सॉन्ग है वो, कैसी है ये रुत की जिसमें, मुझे नहीं पता था वो सॉन्ग भी उस मूवी का है. वो इतना सूदिंग है, मुझे इतना ज्यादा पसंद है, बट मुझे नहीं पता था कि वो उस मूवी में. जब भी दिल चाहता है सुना था ऐसे, दिल चाहता है कभी ना बीते रंगीले दिन, तो हमेशा यही वाला सॉन्ग आता है. मुझे पता ही नहीं था इसमें इतने सारे, और सारे के सारे इसके सॉन्ग, सारे सॉन्ग मैंने सुने हुए. हवा धीरे चलो, पर मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ये इस मूवी का पर्टिकुलर सॉन्ग है. अभी तक आपने दिल चाहता है नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, बहुत ही बढ़िया. और उसी के बाद आई थिंक गोवा वगैरह बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, हर दोस्त गोवा जाना चाहता था. एंड मुझे वो देख के हंसी आ रही थी कि उसमें लैंडलाइन यूज हो रहा था, तो जब आमिर खान अक्षय कुमार से गुस्सा था तो उसने कॉल किया और उसने उसको उठाना पड़ा. अभी क्या है ना, हम किसी से गुस्सा होते तो हम उसका नंबर देख लेते, सेव होता है, तो हम उसका कॉल नहीं उठाते, कट कर देते. उस टाइम पे तो ये ऑप्शन ही नहीं था, आपको कॉल उठानी है, कॉल उठाने के बाद आपको पता चलेगा कि किसका कॉल था. मैंने भी लैंडलाइन के दिन देखे हैं, जब भी हमारे घर में फोन आता था मैं और दीदी से भाग के जाते थे फोन उठाने के लिए, किसका फोन है, हम उठाएंगे. काफी फैसिनेटिंग लगता था, लेकिन अब तो लैंडलाइन का जमाना ही चला गया है. बट लैंडलाइन एक डिफरेंट थिंग यार, मजे आते थे कॉल उठा के, हेलो आपको किससे बात करनी है, आप कौन बोल रहे हो, एंड ऑल नॉस्टैल्जिया. डन विद द डिनर एंड अभी मैं ऑयल चंपी करने जा रही हूँ बालों में, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो गई कल बारिश में भीगने के बाद, ऐसे चिपचिप बाल हो रहे, तो अच्छी सी हेयर वॉश की ज़रूरत है. और उसके लिए मेरे को रात में ही ऑयलिंग करनी है ताकि रात भर बालों में ऑयल रहे और कल हेयर वॉश बढ़िया हो. डन विद द ऑयल चंपी, बढ़िया सी ब्रेड पाल रही है, अच्छे चंपू से बाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन सोने में आसानी रहेगी. सो अभी टाइम हो गया एडिटिंग का, तो इस ब्लॉग को इतने रखते हैं. आई होप यू एंजॉय द वीडियो, गिव इट अ फिक फैट, कर दो सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा. मैं मिलती हूं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, खुश रहो. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय.